Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Gorsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. How are you all? I hope aap sab acche honge. तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मैं दे पाती हूँ रीडिंग के अंदर. वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. जब भी कुछ पोस्ट करूँ आपके पास लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा. और जो भी लोग इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं कॉमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ग्रैटिट्यूड देते हैं एंजल्स को, यूनिवर्स को. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड जो भी लोग ये पूछते हैं मैम ये रीडिंग आप लड़कों के लिए क्यों नहीं करती, लड़कियों के लिए क्यों करती हैं, ये रीडिंग सभी के लिए होती है. जो भी इसको देखेगा उसके लिए रीडिंग होती है. आई होप आई एम क्लियर नाउ. एंड सारी ही रीडिंग्स मेरी दोनों आप मेल हैं फीमेल हैं आप देख सकते हैं. एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं. ठीक है गाइज. एंड अगर आप अपने न्यू ईयर के बारे में जानना चाहते हैं कैसा रहेगा आने वाला साल, क्या चेंजेस होंगे, क्या आपको करना है नहीं करना है, हर एक मंथ का डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी. पूरे 12 महीने के बारे में बताऊंगी, आगे क्या होने वाला है, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. आप स्पेसिफिकली लव लाइफ की रीडिंग भी ले सकते हैं. इन 12 महीनों में क्या होने वाला है, ये ईयर आपके लिए कैसे जो है चेंजेस लेकर आएगा, क्या रेमेडीज करने से आपको चीजें अच्छी हो सकती हैं, वो सब कुछ ही मैं आपको इस रीडिंग के अंदर बताने वाली हूँ. तो आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं मेरे साथ. एंड कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैं करती हूँ. आप न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कराना चाहते हैं या फिर आप फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके गाइस, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है हमारी लाइफ में ये होने वाला है या इस ईयर में ये होने वाला है, तो हम उस हिसाब से जो है मूव कर पाते हैं, हम प्रिकॉशंस ले पाते हैं कि हमको आगे क्या करना है, किस हिसाब से करना है, कैसे बचना है और क्या चीज़ें करने से सही रहेगा, कौन सा मंथ ज़्यादा स्पेशल होगा, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें करने से ज़्यादा अच्छा रह सकता है. तो वो सब कुछ ही मैं आपको उस रीडिंग में बताने वाली हूँ. और जो भी लोग टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं क्योंकि ईयर एंडिंग है एंड बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप इनरोल कर सकते हैं. ओके गाइज, चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपकी फुल मून पर क्या चेंजेस आने वाले हैं. आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे इस फुल मून पे आपकी लव लाइफ के अंदर, जो कि कल है 19th of December, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लव लाइफ के अंदर, क्या होने वाला है आगे जाके. थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू. ओके, शिवलरी, फर्स्ट कार्ड शिवलरी का है. ब्यूटिफुल, द गार्डन, अबंडेंस. ओके चलिए, कनेक्शन बॉटम ऑफ द डेक है. अमेजिंग. सो गाइज, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भी ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप के अंदर आ रहे थे अभी तक, ठीक है, जैसे भी आप फील कर रहे थे, आप फील कर रहे थे कि मैं मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं डेड हूँ, मेरी लाइफ में मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है. एंड जैसे आप ना पुराने पास्ट को लेकर बैठे हुए थे, पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हुए थे, आप जो है ना आगे मूव ही नहीं कर पा रहे थे, आप उसी एनर्जी में स्टक थे. बट अब मुझे लग रहा है जैसे इस फुल मून, जो भी ये फुल मून हमारा आने वाला है, इस फुल मून के बाद जो आप अपने अंदर चेंज देखेंगे, वो एक बहुत खूबसूरत सा चेंज देखेंगे कि आपके अंदर वो हिम्मत आएगी, आपके अंदर वो करेज आएगा, आपके अंदर वो जिसे कहते हैं ना कि हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो सबके लिए भी करता है और अपने लिए भी करता है ना, वो प्रोटेक्ट भी करता है फैमिली को, उनके लिए जो है ब्रेड भी अर्न कर लाता है, उनके लिए सब कुछ करता है और अपने लिए भी करता है. वैसे ही एक हिम्मत आपके अंदर आएगी, एक स्ट्रेंथ जो है आप फील करेंगे अपने अंदर, करेज फील करेंगे अपने अंदर, आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर कितनी पावर है, आप कितना कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो. एंड वो हिम्मत का आपको अंदाजा होगा कि मेरे अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ, आपके रिलेशनशिप में आप अलग से निकल कर बाहर आओगे. जैसे आपके पर्सन ने सोचा भी नहीं होगा ना कि यार ये इतना स्ट्रांग हो सकता है, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है. मुझे तो लग रहा था ये बहुत इमोशनल फूल है, मुझे तो लग रहा था कि ये बहुत फ्रजाइल है, वेरी डेलिकेट, यू नो दिस पर्सन इज. सो राइट नाउ आई फील जैसे आपकी एनर्जी जो है बहुत बहुत खूबसूरती से बदल रही है, बहुत अच्छे तरीके से बदल रही है, बहुत कलरफुल लाइफ होने वाली है, वाइब्रेंट लाइफ होने वाली है. आपको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होगा, आपके अंदर कितनी हिम्मत है. आप दूसरों से हेल्प मांगने जा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर ही जो है स्ट्रेंथ नहीं है, मैं खाली हूँ, एम्प्टीनेस आपको फील हो रहा था. बट आपको पता चलेगा
कि सच में आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितने अबांडेंट हैं, आप कितनी हिम्मत है आपके अंदर, ठीक है, वो चीज़ आपको पता चलेगी। और आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप ज़रा सी भी हिम्मत करेंगे अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, उसका अंदाज़ा आपको होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, बट उसके लिए एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी एनर्जीज मैं आपको बताती हूँ ना, ये डेफिनेटली आपके लिए होने वाली होती हैं, बट जो लोग अगर इसको यूज़ ही नहीं करते हैं, सोच के कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर एक्चुअली कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा चेंज आने वाला है। ये पर्सन भी जो है आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, और आप भी इस पर्सन के लिए स्टैंड लेंगे। आप भी अपने ऊपर जो है फोकस करने वाले हैं, अपनी लाइफ के बारे में फोकस करने वाले हैं। अरे मैं क्या कर रहा था, इतने टाइम से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये पर्सन भी ये सोचेंगे फिर कि इनको आपके ऊपर ध्यान देना है। इस हिसाब से खूबसूरत चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। पूरा का पूरा गार्डन आपका है, जो भी इतने समय से आपने जो है इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी लाइफ में आपने इतनी सारी टेक्निक अप्लाई की। मे भी कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ लोग रेमिडीज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग चैरिटी कर रहे हैं। जो भी आपने अच्छी चीज़ें करी हैं, उसका रिवॉर्ड जैसे आपको मिलने वाला है। ग्रोथ जो है आपकी लव लाइफ के अंदर मैं देख पा रही हूँ। आप बिल्कुल एट पीस होने वाले हो, देख रहे हैं। अगर आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस कार्ड, यहाँ पे एक फीमेल है, ये फीमेल लेटी हुई है यहाँ पे। अगर आप स्नैपशॉट ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। ये फीमेल यहाँ पर लेटी हुई है, और यहाँ पर वो बीच में गार्डन के मज़े से लेटी हुई, आसपास फ्लावर्स हैं, ग्रीनरी है, और ये जो ग्रीनरी है ये उसकी ग्रोथ को दिखा रहा है, उसकी अबंडेंस को दिखा रहा है, ठीक है। वो कितनी अबंडेंट है, आसपास फूल है, फूलों के बीच में वो लेटी हुई है, मतलब कि अब आपको इस तरीके का सुकून मिलने वाला है। आप आराम से इंजॉय करेंगे, जो भी चीज़ें आपने अच्छी करी थी, अब उसका आनंद आप जैसे आप लेने वाले हैं, और बहुत ही पीस आपको महसूस होगा रिलेशनशिप के अंदर। बहुत नई चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे इस रिश्ते के अंदर। ग्रोथ आपकी इस रिलेशनशिप के अंदर होने वाली है, आपका रिलेशनशिप ग्रो होने वाला है। और जब इतने समय से आपने दिया है ना, आप जैसे आपको मिलने वाला है वापस से, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड है जो हमको यह दिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खूब, आप बहुत अबंडेंट हैं, आपके अंदर ही इतनी अबंडेंस भरी हुई है, आपको उसको यूज़ करना नहीं आ रहा है। आपके पास सब कुछ है, आपको उसका यूज़ करना नहीं आ रहा है। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, देखिए आप एंजल्स भी हैं हमारे यहाँ पे, एंजल्स आपको हेल्प करने आएंगे, आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। आप जैसा बोलेंगे, जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसा आप मैनिफेस्ट आपने किया हुआ है अपनी लाइफ को, ठीक है, जैसी विशेस मांगे हुए हैं, जैसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। इस फुल मून की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आप सोचेंगे वो आप पाएंगे, एंड ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से खूबसूरती से ग्रो होने वाला है। देखिए कनेक्शन का कार्ड है, कनेक्शन आपका बिल्ड होगा। अगर आपके पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया है तो वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे पैचअप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, कि न्यू पर्सन, न्यू लव भी उनकी लाइफ में आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है आपको इस पर्सन के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे मैसेज भी आपको दिख रहा होगा, कोई लव लेटर, या अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं ये पर्सन, कोई बहुत इमोशनल सा टेक्स्ट भेज सकते हैं, आप लोग डिनर डेट पर जा सकते हैं, आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं, ये आपके साथ सॉन्ग के थ्रू बात कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट भी आपकी बात हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, एंड बहुत खूबसूरती से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये पर्सन के मन में जो भी बहुत समय से भरा हुआ था, इन्होंने अपने मन में रखा हुआ था, वो मुझे लग रहा है कि जैसे अब ये बाहर निकालने वाले हैं। तो कनेक्शन आपका ग्रो होगा, डेफिनेटली आपका कनेक्शन इस फुल मून के बाद जो है ग्रो होने वाला है। बहुत अच्छे चेंजेस ये फुल मून आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं टैरो कार्ड से, आपको टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्या होने वाला है इस फुल मून, इस फुल मून क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वाओ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आप ज़रूर थैंक्स कीजिएगा कमेंट सेक्शन में एंजल्स को, यूनिवर्स को, गॉड को, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। दो कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके, एनर्जी बहुत मैच हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, लवली। दूसरा कार्ड है एट ऑफ कॉइन्स,
The Hanged Man, Tower, Seven of Swords, King of Cups, Page of Coins, Four of Wands. Wow. कार्ड्स दिख रहे हैं आपको. वाओ 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 वाओ. देखिए हिम्मत तो मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिख रही है. आपके अंदर अब इतनी इतनी अच्छी इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर जो है भर जाएगी. आपको जो आप इतना इनकॉन्फिडेंट फील करते थे और आपको ऐसा लगता था कि यू लैक कॉन्फिडेंस, आपको लगता था कि जैसे कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर है ही नहीं है. आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए आप अच्छे नहीं हो, ना आप दिखने में अच्छे हो, ना आप बोलने में अच्छे हो. आपको ऐसी फीलिंग आने लगी थी कि गलतियाँ मेरी ही हैं सारी. ऐसा आपको जो है कहीं ना कहीं आप अपने अंदर यू नो फ्लॉज ढूंढने लग गए थे. बट अब मुझे लग रहा है कि जैसे चीज़ें आपकी जो आपके फ्लॉज थे ना, जो आप इतने समय से सोच रहे थे, वो आपको समझ में आएगा कि वो फ्लॉज मेरे नहीं थे. मैं तो सच में बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सच में बहुत खूबसूरत हूँ, मैंने तो सब कुछ दिया है इस रिश्ते में. ठीक है, तो वो एक स्ट्रेंथ आपके लिए फुल मून लेकर आने वाला है, जो हमने पहले भी देखा शिवेलरी के कार्ड से. यानी यहाँ पर भी हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्स आ रहा है. तो जैसे आप ना अब एक बात पे अटकने वाले हो, जैसे ये आप देख रहे हो ये वुमेन कैसे इस वॉन्ड को लेकर खड़ी हुई है, और जैसे ये खुश है, बहुत लाइवली है, हैप्पी है, यू नो कॉन्फिडेंट फील कर रही है. और जैसे इसको अब लगेगा ना, अब ये वैसे करेगी. अब ये सबके हिसाब से चल रही थी, अब सब लोग इसके हिसाब से चलेंगे. तो अगर आप लड़के हैं तो आप ये अपने लिए भी ले सकते हैं कि अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आने वाला है. ठीक है, आप अगर किसी गर्ल के पीछे भाग रहे थे, किसी वुमन के पीछे भाग रहे थे, तो वो आपके पीछे भागने वाली हैं. इस तरीके से एनर्जी जो है चेंज होने वाली है. एंड अलग सा चार्म आपको फील होगा अपने लिए. आपकी सक्सेस जैसे मुझे सुनाई दे रही है, और इस रिलेशनशिप में जैसे जीत आपकी होगी. बहुत समय से अगर आप चाह रहे थे ना पर्सन आके मुझे सारी बातें बोले, मुझे कन्फ्रंट करे, मुझे क्लोजर दे, तो वो भी आपको मिल सकता है. यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि रिलेशनशिप के अंदर एफर्ट्स किए जाएंगे, और ये सामने वाले के हिसाब से भी हो सकता है एफर्ट्स किए जाएंगे. बहुत ज्यादा अगर इग्नोरेंस थी रिलेशनशिप के अंदर, तो अब जो है एफर्ट्स करेंगे. एंड अब आपको ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको फ्रीडम मिलने वाली है. अब देखिए आपको बहुत खूबसूरती से आपको ऊपर बर्ड्स दिख रहे हैं. इस तरीके से आप फ्री होने वाले हो. जो भी पास्ट ट्रॉमास थे, आपके बॉन्डेजेस थे, कि आपको लग रहा था कि मैं बस अटक गई हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या आपके बहुत सारे सवाल थे, आप वो सारे सवालों से आप जैसे रिहा होने वाले हो, और आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं इस फुल मून के ऊपर. बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत बैलेंस्ड फील करने वाले हो आप, और बहुत सक्सेस आपको मिल सकती है. यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप सैड हो, अगर आप परेशान हो किसी भी चीज़ से, तो उसके आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे. ये ज़रूर है आपकी सिचुएशन जो है, बिल्कुल आप अटके हुए थे बहुत समय से, एंड ब्रेकअप आप लोगों का यहाँ पर हुआ हुआ है. क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड भी है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपने सब कुछ अपने सपने सजाए इस पर्सन के साथ, बट आपको वहाँ से जो है धोखा मिल गया. बहुत समय से सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, बट अब जो है मुझे ग्रोथ दिख रही है आगे आने वाले टाइम के ऊपर. ठीक है, बहुत खूबसूरती से चीज़ें बदलेंगी. हैंग्ड मैन का कार्ड भी है, जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अटके हुए हैं, बट इस पर्सन का जो मन है, जो इस पर्सन का जो दिल है, वो आपके ऊपर ही है. देखिए पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन ना आप पे ही नज़रें बनाए हुए हैं. चाहे कोई भी है इनके पास, कुछ भी ये पर्सन कर रहे हैं, बट इनकी नज़रें आप पे. देखिए ये पर्सन कैसे उसकी आंखों में देख रहा है. तो इनकी नज़रें जो है वो आप पे ही हैं. ये आपको स्पाई भी करते हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर ये आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है. तो ये पर्सन आपको मिलने भी आ सकते हैं, और ये आपको स्पाई कर रहे हैं. इस दिसंबर के महीने में बहुत सारे खूबसूरत चेंजेस, मूवमेंट देख पा रही हूँ मैं. मूव होगा आपका रिलेशनशिप, एंड सरप्राइज मिल सकता है आपको एंजल्स की तरफ से, कुछ सरप्राइज जैसे मुझे सुनाई दे रहा है.
ये दिसंबर आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है, बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, झूठ इस पर्सन ने कुछ आपको डेफिनेटली बोला है, मे बी फॉल्स कमिटमेंट करी हो, बोला हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, वो करूँगा, वो सब जो झूठे वादे किए, जो भी झूठ बोला है, जिसको ये अभी तक छुपा रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। वो आपको अगर अभी तक पता नहीं चला है तो वो पता चल जाएगा, या तो ये कन्फेस कर देंगे, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा। और जो भी झूठे वादे इन्होंने आपको किए थे, पागल बनाया था, जैसे भी किया था, अब इनको वो रियलाइजेशन होने वाली है, ठीक है। ये इनको पता चलने वाला है कि इन्होंने सच में आपके आपको बहुत आपका दिल दुखा दिया, आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, और आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिल पाएगा। ये पर्सन जो है बदलेंगे, डेफिनेटली पर्सन बदलेंगे। तो आप ये मत देखिएगा कि ये पर्सन जो है आपको दिखा नहीं रहे हैं तो ये सच में आपसे प्यार नहीं करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो हमको ये बताता है, ये पर्सन स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहे हैं अपनी, ऐसा दिखा रहे हैं बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अंदर से पर्सन टूटे हुए हैं। इस पर्सन के मन में जितना प्यार आपके लिए है शायद ही किसी को कर सकते हैं, तो ये कार्ड हमको यही बता रहा है यहाँ पे। एंड फोर ऑफ वॉन्स के क्या ही कहने, देखिए आप इस कार्ड को, फोर ऑफ वॉन्स जो है हमारा कमिटमेंट का कार्ड होता है। देख रहे हैं आप कैसे वो जो है लड़का लड़की के गले में और लड़की लड़के के गले में वो जो सेहरा होता है, या फिर जिसको वो भी जो भी वरमाला कहते हैं, डोंट नो व्हाट, वो डाल रहा है, राइट। तो यहाँ पे कमिटमेंट सुनाई दे रहा है मुझे, जैसे कमिटमेंट देना चाहते हैं पर्सन आपको, और शादी मुझे सुनाई दे रही है, जैसे शादी हो सकती है आप लोगों की, कमिटमेंट दे सकते हैं। ये दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा है, चीज़ें जितनी ख़राब हुई थी और जिस स्पीड से ख़राब हुई थी, एज एन एकदम से झटका लग गया था, सब खत्म हो गया था ना, और एकदम से ऐसा होगा कि ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे, रीयूनाइट करेंगे आप दोनों, एंड आपको ये जैसे अपने मन की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, खुशियाँ हैं, फीलिंग्स हैं, जो भी सब है ना, आपके सामने ये रखेंगे, आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको कन्फेस करेंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। कमिटमेंट आपको मिल सकती है या तो इस पर्सन से या जिस भी न्यू पर्सन से भी, जो भी अगर कुछ लोग की लाइफ में न्यू पर्सन अगर कोई आएगा तो उससे भी कमिटमेंट मिल सकती है, वो भी शादी के लिए ही आपके पास आएगा और आपको कमिटमेंट दे के जाएगा, ठीक है। ये पर्सन किसी दो चॉइसेस के बीच में ज़रूर अटके पड़े हैं, पर चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो हिम्मत आपने रखनी है, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है आपकी लाइफ में। मैं ये देख लेती हूँ रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, फुल मून के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, कार्ड आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आपने सोच लिया था कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है और अब मेरा हो गया है इसे, तो आपको एक चांस देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हो सकता है ये लड़का जो है वो एफर्ट्स करे और लड़की उधर मुंह घुमाए हुए है, तो हो सकता है कि शायद अब वो एफर्ट्स करना चाहते हैं, तब आपको चांस देने की ज़रूरत है। एक और कार्ड ले लूँगी मैं एंजल्स के तरफ से, क्या गाइड करना चाह रहे हैं एंजल्स। थैंक यू। न्यू लव, मैंने बोला आई कैन स्मेल समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे न्यू लव हो सकता है, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर यही पर्सन नए तरीके से बदल के एक अलग पर्सनालिटी इनकी जो है आपको दिखेगी, बदल के आ सकते हैं आपके पास, या तो नया पर्सन आएगा या फिर यही पर्सन एक नए तरीके से बदल के आपके पास आएंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है यू डिजर्व लव, सो यू आर लवेबल। आप ये भी अफर्म कर सकते हैं, रोज आपको बोलना है 51 टाइम्स या 28 टाइम्स या 108 टाइम्स, 108 बार, I am lovable। ये भी आप बोलिए, बहुत अच्छा रहेगा, चाहे तो लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं ये देखती हूँ कि पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, या आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लव मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। You are important to me. I know I made some mistakes. I was immature to understand this connection. तो इनको पता चल रहा है इन्होंने गलतियाँ करी हैं, इन्होंने आपको झूठ बोला, इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपका दिल दुखाया, आपको झूठी कमिटमेंट्स दी, और ये समझ नहीं पाए थे इस कनेक्शन के बारे में, बट अब इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं।
you are brave enough to let go. It's time for us to not hold on to each other at least right now. तो अभी थोड़ा सा स्पेस ये चाहते हैं, ठीक है, और पुरानी बातों को, जैसे आपको बोल रहे हैं कि आपको भूल जाना चाहिए पुरानी बातों को. आई एम सॉरी फॉर सेइंग ऑल दोज थिंग्स, आई वॉज एंग्री, आई डिड नॉट मीन देम. ये जो भी इन्होंने आपको कहा, आपको बुरी बातें बोली हैं, आपके ऊपर ब्लेम लगाया, ब्लेम गेम खेली, या फिर आपको गलत गलत बोला, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, या आप ये मीन नहीं करते थे उन सब चीज़ों को, तो जैसे सॉरी बोल रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बता दी होंगी. हो सकता है पर्सन किसी मजबूरी में हो, ये कुछ कर नहीं पा रहे, जैसे कुछ मजबूर हैं, ऐसा भी मुझे जैसे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जैसे मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हो. Us being together right now is difficult, but being apart is so much worse. तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि आप दोनों अभी साथ में नहीं हो सकते हैं, ये difficult ज़रूर है, but अलग होना तो और भी मुश्किल है, वो तो जैसे नामुमकिन हो रहा है इनके लिए, ऐसा ये आपको बोलना चाहते हैं. Last messages, I know you're hurt because of me. I don't know how I messed up so bad. तो इनको पता है कि जैसे आप इनकी वजह से हर्ट हैं, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्यों ऐसा करा, आपको क्यों इतना परेशान करा, और आपको ये हर्ट कैसे कर सकते हैं. तो ये सॉरी वाली फीलिंग भी मुझे दिख रही है, जैसे अपॉलोजी चाहते हैं, ये आपको अपोलोजाइज करना चाहते हैं, एंड अपोलोजेटिक फील कर रहे हैं. सो ये एनर्जी है इस पर्सन की. आई होप चीज़ें जल्दी ही ठीक हो. तो फुल मून बहुत सारी गुड न्यूज़, प्यार, न्यू लव, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है, ग्रोथ और अबंडेंस भी लेकर आ रहा है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड जो भी लोग अपनी कोई विशेज़ हैं उनकी, वो मांगना चाहते हैं, तो कल आप जो है, कल जैसे फुल मून है, तो आप चंद्रमा के नीचे खड़े होकर उनको ग्रैटिट्यूड देकर एंड ओम नमः शिवाय अगर चैंट कर सकते हैं तो ज़रूर करें. 108 टाइम्स कर सकते हैं इसकी, 3 माला का जाप, या 2 माला, या 5 माला भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी विश मांग सकते हैं एंड फिर से ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, चंद्रमा के नीचे खड़े होकर थैंक्स बोल सकते हैं. ठीक है, ये आप करिएगा कल ज़रूर. मैं चाहती हूँ आपकी विशेस पूरी हो. आई विश यू ऑल द बेस्ट. ये करने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, मेंटल पीस तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड विशेस भी पूरे होंगे आपकी. जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं पर्सनल लाइफ में, वो ठीक होंगे. सो गाइज, दिस इज इट. जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. मिलती हूँ अगली रीडिंग में. बाय.